पाकिस्तान फाइनल में भारतीय भी दाद देने पर मजबूर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर इस शान से फाइनल तक पहुंचा कि पड़ोसी मुल्क भारत से भी मोहब्बत भरे पैगाम मौसूल हो रहे हैं। सहाफी गौरव पंडित ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की तस्वीर शेयर करते हुए मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि 27 अक्टूबर को बाबर आजम ने कहा था कि सच कहूं तो अब सेमीफाइनल में हमारा पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही गौरव ने लिखा कि 9 नवंबर को बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ले गए। भारतीय शहरी रजत गावड़े ने कहा कि पाकिस्तान पहले भारत से हारा, फिर जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा कि कोई भी टीम होती तो हौसला हार जाती, लेकिन पाकिस्तान ने लड़ाई जारी रखी और अब फाइनल में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारक हो, फाइनल में मुलाकात होगी। भारतीय शहरी केशव शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान फाइनल से बाहर होने वाला था, लेकिन क्या जबरदस्त बाजी पलटी है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के फाइनल मैच से अच्छी कोई बात नहीं होगी। एक और शहरी निखिल ने लिखा, फ्रॉम नोवेयर टू मेलबर्न फॉर द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप। Pakistan came a long way and what a brilliant performance by whole Pakistan team in every department to clinch victory over the Kiwis at the semis. Well now, hoping India to win tomorrow. Congratulations Pakistan. Gautam Palinasmi ne likha, congratulations Pakistan. Love from India. Don't know about group stage play but deserved every bit today with extraordinary bowling, batting and fielding. Hope India to reach finals. Finally, two Asian teams playing in finals is more enough. Better side win that day. हर मुख्तलिफ न्यूज अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर खबर रहे आपकी नजर में।